हेलो स्टूडेंट्स तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले बेटा आप सभी का जो भारी डिमांड पे नीट के स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप जो सुपर ट्रिक्स वाली सीरीज चलाते हैं वो हमेशा जेई के बच्चों के लिए कोई चलाते हैं तो नीट के बच्चों के लिए भी स्पेसिफिकली आपके पास टाइम का काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन होता है यू हैव टू सॉल्व वन क्वेश्चन इन वन मिनट और इनफैक्ट आपको थोड़ा सा समय अपना बचाना भी रहता है ताकि आप उसे फिजिक्स में भी लगा सकें या आपको केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है उसे सेव करना अगर आप सीख गए तो आप फिजिक्स में भी उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं उसी सीरीज में मैं आपकी थोड़ी सी मदद करने आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट ए आई के तो ये सीरीज आपकी चलती रहेगी जितना प्यार मुझे आपका मिलेगा जितने लाइक्स आएंगे जितने व्यूज़ आएंगे उस हिसाब से मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते चले जाऊँगा तो इट्स अप टू यू कि आप इसे कितना पसंद कर रहे हैं मैं अपनी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ तो आज के सेशन में हम ट्वेंटी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो ए 2004 से मैंने लिए हैं और उनमें मैं आपको केवल इतना समझाऊंगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है ना मैं कुछ आपके लाइव सेशन भी लूंगा और आपके कुछ थ्योरी भी पढ़ाऊंगा बट अभी मैं क्वेश्चंस पे अटैक कर रहा हूँ और जब मैं क्वेश्चन की सीरीज लूंगा बेटा तब मैं केवल आपको सीधे फॉर्मूला आपको याद करके उसमें वैल्यूज पुट करना सिखाऊंगा और कैलकुलेशन वाला पार्ट सिखाऊंगा लाइक स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटिंग गैल्वेनिक सेल रिएक्शन विद एन इक्वल टू टू फॉर्म टू बी पॉइंट टू नाइन फाइव वोट एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इक्म कॉन्स्टेंट ऑफ द रियक्शन वुड भी ये मैं बार बार, बार बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि इक्विबियम कॉन्स्टेंट के ऊपर गारंटेड क्वेश्चन आता है ठीक है और सीधे सीधे फॉर्मूला के इक्विबियम इक्व टेन की पावर एन ई नॉट एन जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें दे दिया है ठीक है ना अब देखिए यहीं यहीं पर मुझे छोटी छोटी ट्रिक्स बतानी है आपको कि नॉर्मली हमारी आदत होती है कि हम पॉइंट जीरो सिक्स लेते हैं बेटा बट तो डाटा के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना यहाँ पॉइंट टू नाइन फाइव देने का पर्पस ही था कि उसका डबल जो होगा वो पॉइंट फाइव नाइन होगा तो ऊपर पॉइंट फाइव नाइन नीचे आपका पॉइंट जीरो फाइव नाइन मतलब सीधे सीधे ये हो गया टेन तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 1 into 10 की पावर 10 दैट इज आवर आंसर विल बी 4 इतने ही समय में हमसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास 27 एएमयू इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम एएल प्लस थ्री सॉल्यूशन बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द वॉल्यूम ऑफ अब मैं इसमें खूब सारी चीज़ें आपको समझा सकता हूँ बेटा बट अभी मैं इसको एक स्पीड स्पीडी अप सेशन रखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन एक मिनट में कैसे सॉल्व होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैंने आपसे अभी बोला है कि ये सीरीज चलती रहेगी उसमें बीच बीच में कुछ सेशन में आपको कि आखिर ये हुआ कैसे बट राइट नाउ अगर ये हुआ कैसे है मुझे ये आइडिया नहीं है तो क्वेश्चन कैसे करना है वो उसके बिना भी हो जाएगा ठीक है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसड एस टीपी फ्रॉम एच प्लस आयन इन द सोल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सीधे आपको दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर करना है और इक्विवेलेंट्स कैसे बराबर करते हैं एल्यूमिनियम के लिए फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सेवन जो उसका एटोमिक मास है मोलर मास बोल दे ये मोल्स होगा बेटा एंड एन फैक्टर हमें क्वेश्चन में ही दिख रहा है थ्री ठीक है इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन के मोल्स अगर मैं एन मान लेता हूँ ठीक है एंड व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन इट इज टू ठीक है जी तो ये उसके क्या हो गए इक्वलट्स ठीक मैं बार बार एक कोड बताता हूँ आपको एच जैसे एच एक चैनल होता है ठीक है आपको पता ही होगा आप देखते भी होंगे शायद वैसे ही आप एक नया चैनल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए याद रखें एच और इस चैनल का नंबर है टू टू फोर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मोस्टली जो आपको गैसेस मिलेंगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन मिलेगी एच है हाइड्रोजन के लिए है उसका इन्फेक्टर टू सी क्लोरीन के लिए है उसका इन्फेक्टर टू और ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन उसका इन्फेक्टर है फोर ठीक है जी अब देखिए कितना ईजी क्वेश्चन हो चुका है हमारा ये नाइन ये हाफ मदर नंबर ऑफ मोल्स हो गए कितने बेटा वन बाय फोर ठीक है जी और अगर मोल्स वन बाय फोर है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर से तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर फाइव पॉइंट सिक्स लीटर ठीक है जी ये रहा आपका आंसर अब यहाँ पर मैं एक मॉडिफिकेशन बताऊंगा बेटा सिंस ये क्वेश्चन 2005 का है इसी वजह से हमने मोलर वॉल्यूम एस पर 22.4 लिया है बट एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि अब मोलर वॉल्यूम एस पर जो होता है 22.7 तो इस चीज को भी जरूर ध्यान रखें चलिए थर्ड क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज शोन बिलो दिस द ई एम एफ इज पॉइंट टू वर्ल्ड सेल रिएक्शन अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा हार्डली पाँच सेकेंड एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ठीक है ना और रिडक्शन होता है तो ए ए प्लस में जाएगा और बी प्लस बी में जाएगा और इसके लिए भी मैं शॉर्टकट बताता हूँ वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर में ऑड नंबर वाले वन ओ थ्री ऑड नंबर वाले रिएक्टेंट साइड आते हैं और इवन नंबर वाले प्रोडक्ट साइड आते हैं सिंस सेल पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है मतलब आपका जो गिवन सेल है वही सही है मतलब हमारी जो रिएक्शन होगी ए प्लस बी प्लस गिव ए प्लस प्लस बी और कोई टाइम हमें खोटी नहीं करना है जल्दी करना है बेटा क्योंकि मैंने देखा है बच्चा इनको सोचने में भी गड़बड़ कर देता है ठीक e e e है जी चलिए इ नॉट एफ ई प्लस टू से एफ ई e का इतना है एफ ई प्लस थ्री से एफ ई प्लस टू का इतना है स्टैंडर्ड ये ऑफ द रिएक्शन दिस वुड बी ठीक है अब इसमें भी कोई टाइम खोटी नहीं करना है एफ ई इज कन्वर्टिंग इन टू एफ ई प्लस टू ठीक है जी तो एफ ई e से एफ ई प्लस टू का लें गिवन है प्लस टू से प्लस का ठीक है ना तो उसको उल्टा करें तो ये उल्टा करते ही आपका माइनस की जगह प्लस का पॉइंट फोर फोर वन और एफ ई प्लस थ्री इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इन टू एफ ई प्लस टू कई बच्चे इस रिएक्शंस को देखने में कन्फ्यूज़ कर देते हैं ठीक है और गारंटीड बता रहा हूँ बेटा अगले सेशन में लगभग अगला सेशन भी मेरा बन चुका है उसमें ट्वेंटी टू क्वेश्चन है मैंने पर्पजली थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अवॉइड करा है क्योंकि आप बोलोगे सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से हमसे भी दस सेकंड में हो जाएगा मैंने मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही रखे हैं बेटा ठीक है तो फोर्टी टू क्वेश्चन जो आपके मैं डिस्कस करूंगा दो सेशन में गारंटी में लिख के दे रहा हूँ कि आपका इस साल का पेपर भी इन्हीं के आसपास ही चलेगा ठीक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा ही बेनिफिशियल रहता है ये जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है अब प्लस थ्री से प्लस टू का पॉइंट सेवन सेवन वन क्या आप हमें ज़्यादा टाइम खोटी करने की जरूरत है कई बच्चे यहाँ पर भी दिमाग लगाएंगे पूरा ऐड करने का नहीं साफ साफ दिख रहा है पॉइंट और पॉइंट को ऐड करता तो वन, वन के आसपास और वन, वन के आसपास का सबसे क्लोज आंसर वन है सो अवर आंसर विल बी वन बस और कुछ टाइम नहीं खोटी करना पूरा ऐड करके अपना दिमाग अपना समय खोटी ना करें चलिए ऑफ़ फ्यूल सेल इज गिवन बाय है ना अब ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है बेटा बट ये ऑफलाइन में बच्चा हमेशा पूछता है इसीलिए पर्पसली डाला है कि बच्चा समझ नहीं पाता है इफिशियंसी का मीनिंग इफिशियंसी हमेशा क्या होती है आपको अगर मैं आपको पचास रुपये दे रहा हूँ बेटा मतलब पचास जूल एनर्जी दे रहा हूँ और आपने उसमें से ट्वेंटी जूल का वर्क करा तो एफिशिएंसी इज ट्वेंटी बाई फिफ्टी तो ये हमेशा रेशो होता है ठीक है ना यूजफुल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी और डेल्टा जी को हम यूजफुल एनर्जी बोलते हैं बेटा डेल्टा एच को हम टोट तो, सॉरी डेल्टा जी इज यूजफुल एनर्जी और डेल्टा एच को हम टोटल एनर्जी बोलते हैं तो हमारा राइट नो आंसर विल बी फोर ये मीनिंग आपको समझना था यहाँ पर चलिए इटली भी कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन वापस आया देखिए क्वेश्चन टू में फोर में आया था

ठीक है ना ये हो गया क्या आपका टू इंटू पॉइंट फोर सिक्स डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो अभी हम सी सिक्स ले लेते हैं रफली ठीक है ना अब देखिए डेसिमल तो उड़ा दे फोर्टी सिक्स का डबल नाइन्टी टू ठीक है ना ये इसको थ्री कर देते हैं तो आप देख लीजिए टेन की पावर फिफ्टीन पॉइंट थ्री समथिंग क्या आ रही है बात आपको समझ में तो हमारा जो आंसर होगा वो टेन की पावर फिफ्टीन तो होना ही है क्योंकि तो कई बार बच्चे एंटी लॉग लेने में गड़बड़ कर देते हैं और इंटू टेन की पावर पॉइंट थ्री समथिंग

ठीक है ना log 2 इस .3 तो इसका मतलब एंटी लॉग लेने पर 2 10 की पावर .3 है ना अब आप पूछ सकते हो कि सर एग्जैक्टली exactly, फिर 2 क्यों नहीं आया 4 आना चाहिए था मतलब 4 क्यों आ रहा है 2 आना चाहिए था वो इसलिए बेटा क्योंकि ये 15.33 समथिंग होगा पहली चीज दूसरा नीचे 0.059 होता था तो हमने पॉइंट जीरो सिक्स लिया है अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट जीरो फाइव लेता तो आ जाता बट क्या एग्जाम में इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत है हम तो केवल पावर से ही आंसर निकाल सकते थे ये फिफ्टीन है ये टेन है ये टेन है और ये टेन तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा आंसर टेन की पावर फिफ्टीन ये जो आगे के लिए मैंने आपको समझाने के लिए काम करा है ये भी मुझे एग्जाम में तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी तो हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप थीम समझे बेटा उसे पता है कि बच्चा कैलकुलेशन में मिस्टेक करके गड़बड़ कर देगा हमें वो नहीं करना है हमें दिमाग लगाना है और वो यहीं से दिख रहा था कि फ़िफ्टीन आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी मैं सॉल्यूशन भी पूरा दिखा रहा हूँ आपको और साथ साथ ट्रिक्स भी बता रहा बताओ ठीक है चलिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन इन किलोजुल पार्मोल एड टू नाइन्टी एट कैलविन फॉर आर दिस दिस एंड दिस फॉर एच टू और पेंटेन गैस रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ यू नॉट सेल फॉर द पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल फ्यूल सेल हम लोगों ने एन सी आर टी बुक में पढ़ा है बेटा बट वहाँ पर हम ठीक है ना एच टू ओ टू फ्यूल सेल पढ़ते हैं तो यहाँ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर आपका पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो गया है तो यहाँ पर आपको पहले रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी सी फाइव एच टूवेल्व ओ टू के साथ कंबाइन करके फाइव मोल्स ऑफ किसके बनाएगा सी ओ टू ठीक है ना और साथ में सिक्स मोल्स बनाएगा किसके एच बैलेंस करने की जरूरत आगे नहीं है ऑक्सीजन की आप बोलोगे सर फिर CO2 टू और एच टू को क्यों बैलेंस करा हमारे कॉन्सेप्ट हर तरह चलने चाहिए बेटा क्वेश्चन करते हुए हमारा पूरा कंसेंट्रेशन सीधे क्वेश्चन पर अटैक करने का होना चाहिए जब हम कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेशन दे रहे हैं घर में भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं कि हलवे की याद आ रही है चपाती की याद आ रही है घर मम्मी ने क्या खाना बनाया होगा ये सब इस सब मोह माया से दूर उठ जाइए फिर आपका पूरा फोकस के क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कैसे होगा जद्दोजहद से करना है जुनून से करना है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का उसने एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया भी नहीं है और वैसे भी हमें पता है बेटा कि आई ने बोल रखा है प्योर एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड एंथेल्पी ऑफ़ फॉर्मेशन हो या गिप्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन हो जीरो होता है तो नो नीड टू बैलेंस अननेसेसरी है ना सी टू और एच टू जरूर लिखना था क्योंकि उनके क्वेश्चन की जरूरत पड़ रही तो अब मैं यहाँ से अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालू और वो भी मैं तो रफ कैलकुलेशन से ही चलूंगा देखिए फाइव इन टू अब सी कौन से नंबर पर वो जल्दबाजी में गड़बड़ ना करे सेकेंड नंबर पर सी है ना और जिसकी माइनस थ्री दिया है भैया उसकी प्रॉब्लम है मेरी तो मैं 400 सौ लूंगा रफली ठीक है ना प्लस सिक्स इन एच टू ओ अब एच टू ओ को भी रफली मैं माइनस का ढाई सौ लूंगा ठीक है ना तो ये प्रोडक्ट साइड का हो गया खत्म देखिए थर्मोकेमिस्ट्री भी लग रही है ठीक है ना और माइनस क्या बेटा आपका माइनस है आपका वॉट वॉट वट बोलिए 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 माइनस आपका पेंटेन और पेंटेन का एक ही मोल है और उसका दिया है माइनस का कितना है? बेटा एट पॉइंट टू माइनस टेन ले लेते हैं कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा ठीक है ना ठीक है जी तो ये हो गया दो हजार ये हो गया डेढ़ हजार माइनस का कितना बेटा माइनस का थ्री फाइव डबल जीरो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू है ना और बी केयरफुल किस में है बेटा आपका किलोजूल पर मोट तो माइनस थ्री थर्टी फोर पॉइंट नाइन कर दिया मैंने इन टेन की पावर कितना टू ठीक है और किलो जूल जो है उसको भी जूल में बदला तो टेन की पावर फाइव अब हमें फॉर्मूला पता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट है ना तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो इसीलिए हमें अगर हम दो क्वेश्चन में भी समय बचा रहे अगला थोड़ा सा बड़ा आया तो हम वहां पर समय दे सकते हैं माइनस एन, एन एफ कितना नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो तो नाइन पॉइंट सिक्स फाइव इन टेन तो की पावर फोर कर दिया बेटा मैंने इसे और इन ई नॉट ठीक है बस यही हमसे पूछा है अब सर एन कैसे निकालें

और वहां पर माइनस टू में है मतलब एक ऑक्सीजन के लिए दो का चेंज सिक्सटीन के लिए आपका थर्टी टू का चेंज क्या मेरी कहानी सभी को समझ में आई अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो चुका है हमारा रफली मैं इसको भी इससे उड़ा दूं माइनस को माइनस से उड़ा दूं ठीक है ना ये रफली अगर मैं टेन रखता हूं तो टेन की पावर फाइव टेन की पावर फाइव ये भी कैंसर मतलब ई नॉट की वैल्यू ई नॉट की वैल्यू मेरा वन के आसपास आ रही है वन और सबसे क्लोजेस्ट आंसर आपका जो वन के आसपास है दैट इज वन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स एट तो मेरा आंसर हो गया थी अब इस क्वेश्चन को आप इतना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो कर ही नहीं पाएंगे बेटा ठीक है ना क्योंकि उन्हें इतना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा फिर जो कर ले जाएगा वो एन नहीं निकाल पाएगा तो आपको इससे ध्यान रखना है ना अब देखिए थोड़ा समय तो मैं भी लूंगा बेटा क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं कि आप एन कार्बन से भी निकाल सकते थे सी फाइव एस ट्वेल्व में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ऑफ ट्वेल्व बाय फाइव एग्रीड हाइड्रोजन प्लस वन होता है बारह हाइड्रोजन तो प्लस ट्वेल्व मतलब पांच कार्बन के ऊपर माइनस ट्वेल्व कटाज एक के ऊपर माइनस ट्वेल्व बाई फाइव सी टू में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर है ना क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं बेटा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रटा के चले जाऊँ मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा और कुछ सेशन में तो मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा अभी पहला सेशन है तो मैं बता रहा हूँ कि जल्दी कैसे करना है अभी तक के छह क्वेश्चन इजी मिले सातवा टफ मिल गया हमें ठीक है जी और माइनस ट्वेल्व बाई फाइव से प्लस फोर चेंज कैसे निकालते हैं बेटा चेंज हमेशा है ना बड़े में से छोटा नंबर तो फोर माइनस ऑफ अगर आप चेंज निकालते हो तो ये देख लीजिए आपका एन की वैल्यू थर्टी टू तो इस क्वेश्चन की रेटिंग मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ठीक है क्योंकि एक बार पूछा है तो हो सकता है वो कभी भी दोबारा पूछ ले आपसे ध्यान रखिएगा टफ क्वेश्चन था हमें एन निकालते आना चाहिए डेल्टा जी नॉट निकालते आना चाहिए शॉर्टकट कैलकुलेशन करते आना चाहिए तभी हमारा काम हो पाएगा ठीक है ना मुझे ही खुद आप देख लीजिए दो से तीन मिनट लग गए होंगे इस क्वेश्चन को इतना तो मैं खुद बता रहा हूं आपको कितना समय लगेगा देखिए और आप अगर ऐसे एक क्वेश्चन भी छोड़ के आते हैं बेटा तो नीट एआई पी एम टी में तो हमें पता है बेटा एक एक क्वेश्चन कितना ज्यादा मायने रखता है चलिए आगे बढ़े हर क्वेश्चन टफ नहीं होगा ना अब अगला ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज द स्ट्रॉगेस्ट ऑक्सीडेन है ना सबसे पहली चीज ध्यान रखना बेटा Fe+2 से Fe+3 थ्री मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है

आरपी तो बोलते हैं हम लोग तो इतना ध्यान रखना है अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो रिड्यूसिंग एजेंट प्रोडक्ट साइड होता है रिड्यूसिंग एजेंट प्रोडक्ट साइड होता है है ठीक जी तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट प्रोडक्ट साइड है तो ऑब्वियली एसओपी में हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोडक्ट साइड होगा उल्टी हो जाएगी कहानी ठीक है जी क्योंकि दोनों एक दूसरे के वैसे ही उल्टे हैं तो हमारे लिए केवल यही दोनों हो सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब इन दोनों में से अच्छा कौन सा है है ना मतलब हमारा आंसर न एफ ई प्लस टू हो सकता है न एफ ई सी एन सिक्स माइनस फोर हमारा आंसर एफ ई प्लस थ्री या एफ ई सी एन सिक्स माइनस थ्री होगा और जिसका जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना कम होगा बेटा जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा क्या होता जाएगा ऑक्सीडेशन मतलब हमारा आंसर यहाँ पर सीधे सीधे क्या होगा एफ ई प्लस थ्री तो ये चीज़ जितना आप ध्यान रखोगे बेटा एस आर पी में ये होता है और जिसका एस आर पी जितना लो होगा जिसका एसआरपी जितना लो होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट उतना बेस्ट होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट उतना बेस्ट होगा और इसके में प्रूफ में आपको एक चीज बोल सकता हूँ बेटा कि लिथियम ध्यान रखना हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है लिथियम से चालू होती है लिथियम टॉप पर है बेटा एल आई प्लस से क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन काफी आते हैं और मुझे भी पता है बेटा मैं बीस सालों से देख चुका हूँ कि स्टूडेंट्स खूब ज़्यादा मिस्टेक करते हैं ठीक है ना इनको अरेंज करने में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने में रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने में ठीक है इसका जो ई नॉट है इट इज़ माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट इसलिए लिथियम को हम वर्ल्ड का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं ठीक है ना और फ्लोरिन के लिए बात करें बेटा फ्लोरिन प्लस इलेक्ट्रॉन गिवे एफ माइनस इसका हाइएस्ट होता है प्लस का टू पॉइंट एट सेवन वोल्ट इसलिए फ्लोरिन को हम वर्ल्ड का बेस्ट क्या बोलते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा मैंने कितनी अच्छी ट्रिक बताती आर पी आर पी में रिड्यूसिंग आप ही सब चीजें आपकी हो जाएंगी ठीक है ट्रिक्स को ध्यान रखिए बेटा क्योंकि ट्रिक्स से ही आपका काम होने वाला है चलिए अगला एल टूथ बाई पोटेंशियल एंड हाई करंट ना मैं यही बोल रहा था कि आगे की कुछ सेशन में बेटा मैं थ्योरी भी समझाऊंगा थोड़ी आपको तो आप जब करवाते ही बेटा मेटल में एल्युमिनियम कैसे मिलता है एल्यूमिनियम कैसे मिलता है बेटा पहले हम लोग उसका प्योरीफिकेशन कराते हैं किस किस प्रोसेस से बेयर्स प्रोसेस हॉल्स प्रोसेस सरपेक् प्रोसेस फिर हम उसका इलेक्ट्रोलिस कराते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस फिर हम उसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कराते हैं तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस की लाइन है पहली ठीक है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी समझाते चलूंगा कि आप चीज़ों को लिंक करते चले उससे आपका काम आसान होगा अब इसमें बच्चा लेंदी कर सकता है, लेंदी करने की नहीं है। आप सीधे इक्वीवेंस को निकालो बेटा और इक्विलेंट कैसे निकालते हैं आई टी बाये ध्यान देना सभी क्योंकि है ना मैं अपना पूरा बीस साल का गहन अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसमें बच्चा मिस्टेक करता है इक्वलेंट्स निकालना है हमें सीधे आई टी बाई नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कई बच्चे डब्ल्यूल नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो निकालते हैं जरूरत ही नहीं है ठीक है आई फोर इन टू टेन की पावर फोर टी बी केयरफुल आवर्स में दिया है बेटा ठीक है हमें इसे सेकेंड्स में बदलना है और वन आवर इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड नीचे नाइन सिक्स फाइव डबल जीरोस और थोड़ी सी कैलकुलेशन आप भी बचाएंगे 9.65 कर दिया है ना इंटू टेन की पावर कितना बेटा फोर ठीक है ये हमने उड़ा दिया एग्रिड ये हमने उड़ा दिया अब अब क्या करें बेटा इसको मैं रफली 9.6 ले लेता हूं तो ये हो गया कितना बेटा 1.6 पॉइंट एग्रिड जल्दी करते चले बेटा और 1.6 पॉइंट है तो ये हो गया 5 ये हो गया 2 अगर मैंने पॉइंट से डिवाइड करा थर्टी सिक्स जा ये हो गया एटीन दिख रहा है कितना आसान हो गया मेरा काम एटीन फाइव जा नाइन्टी ठीक है ना और दो जीरो आपके पास बचे हुए हैं तो ये हमारा आंसर है दैट इज नाइन इंटू टेन की पावर ठीक है ना नाइन इंटू एक जीरो मेरा मिस हो रहा है क्या कहीं नहीं, नहीं मिस हो रहा ना तो ये पॉइंट एट से डिवाइड करूं टू फाइव ठीक है तो नाइन इंटू टेन की पावर थ्री मतलब हमारा आंसर सीधे सीधे कौन सा हो रहा है बेटा बस फर्स्ट वाला ठीक है तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है क्या हमसे आई इंटू टी आई इज फोर इंटू टेन की पावर फोर इंटू सिक्स इंटू 3600, नीचे into 10 की, 4, 10 की 4, 4 गया ठीक है है मैं ये 6 से .6, ये से जो ना तो यहाँ पर बेटा मैं हो सकता है आंसर में उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दियो अभी राइट आंसर आ रहा है नाइन इंटू टेन की पावर कितने ग्राम आपका थ्री ग्राम ठीक है जी तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आंसर को कर लीजिएगा ठीक चलिए टेंथ की बात करें बेटा करेंट कंडक्टेंस ऑफ एम बाई थर्टी टू मोनोबेसिक एसिड ठीक है ना इज एट मोर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है एंड एट इनफाइनेट डेल्यूशन पांच चार सौ है तो डिसोशियन कॉन्स्टेंट अब हमें समय नहीं खोटी करना बेटा ठीक है ना जल्दी क्या होता है के का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है ना वीक मोनोबेसिक एसिड है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा अब वन माइनस अल्फा लगेगा कि नहीं लगेगा ये अल्फा से डिसाइड करेंगे और अल्फा कैसे निकालेंगे बेटा इट इज द रेशो ऑफ रेशो ऑफ इक्विलेंट कंडक्टेंस एट नॉर्मल कंसेंट्रेशन एट एंड एट इन्फाइनेट डाइल्यूशन तो अल्फा है वन बाय ट्वेंटी है ना और वन बाय मतलब पॉइंट मतलब हम इसे आसानी से

प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन फिर से सीयू में जा रहा है बेटा ठीक है ना तो यहां पर बेटा कुछ मिस्टेक कर दी है मेरे ऑपरेटर ने ठीक है सीयू प्लस वन से प्लस इलेक्ट्रॉन गिव सी इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी मिस्टेक हो गई है क्योंकि दोनों रिएक्शन उसने सेम लिख दी है एक रिएक्शन सी यू प्लस टू से आपका सीयू का होना चाहिए था और एक रिएक्शन सी यू प्लस टू से सीयू प्लस वन का होना चाहिए था ठीक है

एन थ्री थ्री एन वन ई नॉट वन प्लस एन टू नॉट टू से करना है जल्दी से एक बार आपको फॉर्मूला बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब एन थ्री क्या जो रिएक्शन आपका जिसका पूछा गया उसका इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन है इन टू इन थ्री यही मुझे निकालना है बेटा ठीक है अब वन टू किसे माने जिसकी अभी आपको मर्जी हो मान लो फर्स्ट कोई आपने वन मान लिया तो फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन टू ठीक है अब ई नॉट वन बस ये ध्यान रखना आपने फर्स्ट को वन मान लिया है आप सेकेंड को भी वन मान सकते थे आपकी मर्जी बट ये जरूर देखें कि ये सी यू किस तरफ है बेटा प्रोडक्ट साइड आपने इसे वन माना है सी यू भी प्रोडक्ट साइड है मतलब इसका डाटा मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है पॉइंट थ्री थ्री सेवन ठीक है प्लस एन टू अब ऑब्वियसली नीचे वाली रिएक्शन ही टू होगी उसका वन है और अब मुझे सी यू प्लस वन किस तरफ चाहिए बेटा ठीक है ना गिवन है रिएक्टेंट साइड सॉरी प्रोडक्ट साइड और चाहिए मुझे रिएक्टेंट साइड तो इसको उल्टा करेंगे ये माइनस का पॉइंट वन फाइव अब वापस पूरा समय हमें खोटी नहीं करना है हम रफली इसे बेटा पॉइंट थ्री फाइव ले लें तो ये पॉइंट सेवन हुआ और पॉइंट सेवन में से माइनस का पॉइंट वन फाइव मतलब पॉइंट फाइव फाइव के आसपास वाला हमारा आंसर तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर कौन सा हो गया बेटा वन वाला हमें समय का तो पूरा ध्यान रखते हुए चलना है अगर आप इसे इससे ज़्यादा लेंदी करने गए बेटा तो ये क्वेश्चन आपको दो तीन मिनट खा लेगा इस तरीके से करोगे आपको तो एग्जाम में ये भी लिखने की जरूरत नहीं सीधे ये लिखा रफ कैलकुलेशन करी हो सकता है आधे मिनट में हमारा आंसर आ जाए चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द कंडक्टेंस एट गिवन दिस दिस आर द कंड कंडक्टेंस बी केयरफुल बेटा देखिए कुछ क्वेश्चन खूब फास्ट भी होंगे अगर हमें दोनों का इक्विलेंट कंडक्टेंस दिया है तो फिर हमें कोफिशेंट सोचने की जरूरत नहीं है इक्वलेंट कंडक्टेंस आयंस का सीधे सीधे ऐड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रोलाइट का इक्वलेंट कंडक्टेंस मिल जाएगा मोलर होता तो फिर थोड़ी सी कहानी अलग होती वो मैं आगे, आगे आपको थ्योरी वाले पार्ट में समझाऊंगा तो राइट नाउ आंसर सीधे सीधे टू अब देखिए ये केवल मात्र पाँच सेकंड का क्वेश्चन था अगर हमें पहले से ये चीज़ याद है तो ठीक है चलिए आगे कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन रिलेशन फॉर एन ई एम एफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा डालने का पर्पस है कि बच्चों को ई नॉट के फॉर्मूले भी नहीं याद होते है ना ध्यान देना बेसिक फॉर्मूला जो ई नॉट का है वो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मैं खूब स्ट्रेस देकर बच्चों को बोलता हूँ फॉर्मूले ढंग से याद रखें है है ना एनोड पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होता तो उसका पोटेंशियल लेना है बेटा कैथोड पर रिडक्शन होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है ना तभी बीच में प्लस साइन आएगा अगर आपने दोनों के ओपी या दोनों के आरपी लिए तो बीच में माइनस साइन आएगा अगर ये हमें ट्रिक याद है हम देखें पहला वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दूसरा वाला रिडक्शन पोटेंशियल बीच में माइनस आ ही नहीं सकता है गलत पहला वाला ओपी है दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का तो ये सही है अगले को देखें बेटा दोनों रिडक्शन पोटेंशियल प्लस आने का कोई चांस ही नहीं अगले को देखें दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है माइनस आना है बट ऐसे नहीं जल्दबाजी में आप सीधे टिक कर ये भी देखो एनोड का तो प्लस ही रहेगा बेटा बट कैथोड का नेगेटिव क्योंकि आरपी को ओपी में, में कन्वर्ट करूंगा तो तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आपका टू और फोर वाले हो रहे हैं और टू और फोर वाला मतलब हमारा इसका आंसर हो जाएगा फोर तो ये काम को फास्ट होना चाहिए बेटा ठीक है ना क्योंकि इनमें गड़बड़ हुई तो आपको भी पता है क्या होगा सोल्यूशन कंटेंट्स एफी प्लस टू एफी प्लस थ्री आई माइनस आए ठीक है दिस सोल्यूशन ऑज सीड विद आयोडिन एट थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है ई नॉट फॉर एफ प्लस थ्री ऑब्लिक एफ ई प्लस टू इतना है और ई नॉट फॉर आई टू ऑब्लिक टू आई माइनस इतना है फेवरेबल रेडॉक्सिएशन अब आप खुद समझिए बेटा ठीक है ना अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा यहाँ से आपको कुछ अपने प्रीवियस नॉलेज भी लगाने इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें पता है बेटा हम बॉन्डिंग में पढ़ते हैं डी ब्लॉक में पढ़ते हैं एफ ई आई थ्री डज नॉट एक्जिस्ट

देर विल बी नो रेडॉक्स रिएक्शन गलत रेडॉक्स रिएक्शन तो होनी ही होनी है बेटा अगर एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस थ्री सब है आई माइनस विल बी ऑक्सीडाइज टू आई टू बिल्कुल सही सॉरी ठीक है ना तो आपका थर्ड वाला ही करेक्ट है बेटा एफ ई प्लस थ्री विल बी ऑक्सीडाइज ये हो नहीं सकता है तो हमारा करेक्ट आंसर इज थर्ड अब आप इससे अगर ई नॉट से सोचने जाते हैं बेटा हो सकता है कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर देते मैं तो ई नॉट से भी समझा सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा ई नॉट से कैसे समझाऊंगा आई माइनस से आई टू का माइनस हो जाएगा और यहाँ से एफ प्लस थ्री से एफ ई प्लस टू का प्लस ये नेट ई नॉट रिएक्शन का क्या हो गया बेटा पॉजिटिव ठीक है जी चलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स देख लीजिए आ गया वापस क्वेश्चन एक्स वाई जेड इतना 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 है उनका रिड्यूसिंग पावर बताना है मैंने क्या बोला बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव में कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर यहाँ पर होगा जेड का क्योंकि माइनस थ्री है जेड के बाद आएगा एक्स और उसके बाद आएगा वाई मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो गया थ्री ठीक है अगर हमने याद कर लिया काम खत्म वापस देखिए ए आई पी एम टी इलेवन अभी हमने जो क्वेश्चन करा था कौन सा वाला बेटा ठीक है ना क्वेश्चन नंबर इलेवन एआई पी एम टी जीरो नाइन वो क्वेश्चन आप फिर से देख सकते हो रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ए आई पी तो एम टी इलेवन क्योंकि बार बार पूछता है बेटा वो है ना फिर से वही क्वेश्चन है अब सी यू प्लस टू से सी यू का पूछ लिया अब अगर मैं फास्ट तरीका बताऊं तो इसका एन है टू सी यू प्लस टू से सी यू इन टू ई नॉट Equals मैंने इसको वन मान लिया इसको वन माना तो इसका है वन इन टू इसका सी यू प्लस टू रिएक्टेंट साइड में है और मुझे चाहिए में इसे चेंज नहीं करूंगा तो पॉइंट प्लस का ही रहेगा प्लस इसको माना इसका है न? है one. है बेटा ठीक और चाहिए तो हो गया गया को से करा आ हमारा आंसर है टू कुछ नहीं समय लगाना है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ये देखना है बेटा दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ठीक है ना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड बनाएगा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा सीआर प्लस थ्री से सी आर का है ना यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा माइनस इधर गलती से मेरा ऑपरेटर ने डाल दिया ठीक है तो ये नेगेटिव है बेटा ठीक है तो ज़्यादा हुआ इस कपल का इस कपल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब ये कैथोड बनाएगा ठीक है ना और वो एनोड बनाएगा वो एनोड बनाएगा तो उसको माइनस से प्लस करो 0.74 और इससे तो एसिड इज रहने दो ऐड कर दो 0.89 ऑप्शन विल बी टू सीधे सीधे आपका एंसर आए कुछ नहीं करना है अगर आप लीक विक के टाइम खोटी कर रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है ठीक है मुझे भी लगभग हाफ एन आवर लग, लग गया बेटा इन बीस क्वेश्चन करने में बट वो इसलिए कि मैं आपको एक एक चीज लगभग समझा रहा हूँ ठीक है अदरवाइज तो अगर मुझे सॉल्व करना हो तो हार्डली मैं दस मिनट में कर देता और ये प्रोसेस आपकी भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप इनको करोगे वो डेवलप होती चली जाएगी ठीक है ना जितने आप सेशंस को देखोगे उतना ही आपका काम अच्छा होता चले जाएगा ना देखिए एटीन क्वेश्चन में क्या कह रहा है इफ़ द इ नॉट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू अगर इन सेल नेगेटिव हो गया है ऑफ़ द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यूज डेल्टा जी नॉट एन के बेटा अगर ई नॉट से ना माइनस का एन एफ ई नॉट तो वो नेगेटिव होने का मतलब हो गया हमारा क्या चलिए बेटा है ना टेक्नोलॉजी ना बटन वटन दबते ही वो आगे पीछे हो जाता तो ये है तो यह है बेटा अगर ई e नॉट वो नेगेटिव बोल रहा है अगर वो ई नॉट नेगेटिव बोल रहा है बेटा ई नॉट वो नेगेटिव बोल रहा है अगर तो डेल्टा जी नॉट हो गया क्या आपका पॉजिटिव ठीक है ना तो हमारे लिए डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होने का मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका वन से छोटा तो सीधे सीधे आंसर फोर हो गया ठीक है जी चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन एच फोर इक्वल टू आपको भी पता है लॉ के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं अब इसको आप किस टेक्निक से करते हो आई डोंट नो मेरी टेक्निक सुन लीजिए बेटा जिसकी पूछी गई है ठीक है ना जिसकी पूछी -OH. उन, उन गई दोनों आयन आ रहे हैं बेटा -OH OH. इसमें एन -OH तो तो ए OH आ, आ गया ये भी नहीं हो सकता है इसमें ओ OH एच आ रहा है हालांकि इसमें डायरेक्टली एन एच -OH फोर ओ एच आ गया है तो ये तो हो ही नहीं सकता ओ सी तो निकालनी तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी ओनली फोर ये रहा आपका एंसर यही टेक्निक होती है लास्ट को देख लो एक में NH4OH फोर ओ एच आना चाहिए बेटा एक में ओ OH एच आना चाहिए और माइनस उसका आएगा जिसमें बचा हुआ दो बच गए जो बच गए हैं एक एन ए बचा है रहा तो ये एक सुपर फास्ट ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन करने को कभी आपका कोई भी ज्यादा समय लगने वाला नहीं है चलिए फाइनली द लास्ट क्वेश्चन वापस देख लीजिए स्ट्रॉगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोला है स्टैंडर्ड रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल अगर गिवन है तो मैंने क्या बोल दिया आपसे रिड्यूसिंग एजेंट प्रोडक्ट साइड होता है तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ठीक है जी और अगर शारो हेलोजन है बेटा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ध्यान दीजिए क्योंकि आपको हर तरह की ट्रिक लगानी हेलोजन है तो हमें पता है फ्लोरीन वर्ल्ड का बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और आयोडाइड वर्ल्ड का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है मतलब अगर हेलोजेंस की बात करें बेटा है ना आई वैसे बेस्ट नहीं है वैसे तो लिथियम है वर्ल्ड का बट हेलोजेंस की बात करें तो सीधे सीधे हमारा एफ टू एंड आई माइनस ना मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखी है ना कुछ आप लोग इसको रिडक्शन पोटेंशियल लगाओगे तो मैं आपसे इस सीरीज को चालू करने का मेरा मेन पर्पज यही है कि आप अपने ब्रेन को भी यूज़ करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ये नहीं है कि आप हमेशा यू नॉट से ही कन्फ्यूज हो आपके काफी क्वेश्चन जैसे मैंने इस क्वेश्चन को बताया है ना अभी मैंने एफ ई प्लस थ्री एफ ई प्लस टू वाला क्वेश्चन बताया ऐसे क्वेश्चन जो है बेटा वो नॉर्मल भी हो जाएंगे ना ऊपर वाला नीचे को रिड्यूस कर रहा है इस तरह के खूब क्वेश्चन आते हैं आपको पता है जिनमें आप समय कोटी करते हो जब आप इनऑर्गेनिक में चीजों को पढ़ ही रहे हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन्हें अप्लाई करना सीखो यहाँ अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो फिर उन्हें इलेक्ट्रो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखो ठीक है ना तो इस तरह की सीरीज अब आपके मैंने आपको एक चीज बोली है बेटा जितने आपके लाइक्स मिलेंगे व्यूज मिलेंगे उतना मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते चले जाऊंगा इससे बेनिफिट आपका ही होगा तो आई होप यू एन्जॉय टूडेज सेशन वी नेक्स्ट सेशन टिल दैन गुड बाय